गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाय, आई एम नितिन सिंह. वेल गाइस, कैसा कल मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और मेरे अटेम्प्ट इतने तो हुए नहीं, 116 अटेम्प्ट हुए थे. एंड मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अटेम्प्ट कभी भी ऐसी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जहां पे आपको एक मेंस टाइप का पैटर्न देखने मिले. अब अगर बात करें हम आरबीआई ग्रेड बी की फेज वन की, तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन लेवल एक मेंस टाइप का ही हो गया था. खैर ठीक है, ये उन लोगों के लिए आरबीआई वालों के लिए फर्स्ट स्टेज है, बट कहीं ना कहीं यदि ये हम नॉर्मल एग्जाम से कंपेयर करते हैं, आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, एसबीआई हो, तो उस हिसाब में ये कहीं ना कहीं मेंस लेवल का पैटर्न ही बनता है. एंड इवन कल आरबीआई ग्रेड बी के बाद काफी सारे मेंस भी बने जिसमें ये लिखा हुआ था कि प्री के नाम पे मेंस देखने को मिला हमें. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल का पेपर लिटरली काफी टफ था. इवन दो मैंने लास्ट ईयर एग्जाम नहीं दी थी, बट मेरे काफी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं और वो भी अच्छी खासी लाइक पीओ बन के बैठे हुए हैं. कोई मेरे तीन फ्रेंड एसबीआई में हैं और दो मेरे दोस्त जो कि एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और एक पंजाब नेशनल बैंक में है, उनने भी एग्जाम दी है. एंड इवन जो क्लरिकल लेवल पे मेरे दोस्त है, उन लोगों ने भी अली एग्जाम दी है. तो आप सोच सकते हो कि बेसिकली जो ये एग्जाम थी, ये ऑलमोस्ट हर लेवल का इंसान देता है. बहुत मेरे दोस्त जो कि मैनेजमेंट से अच्छे कॉलेज, जैसे कि बजाज कॉलेज हो गया, सिडनम कॉलेज मुंबई का हो गया, वहां से पास आउट थे, उनने भी आली एग्जाम दिए. उनका भी एक ही रिएक्शन था कि बोले भाई पेपर काफी टफ था, पेपर काफी टफ था. यदि आप प्री लेवल बोल के आप मेंस का लेवल दोगे ना, तो बोले नहीं होता. बोले चलो ठीक है, इसके बाद फेज टू है. बट कैसा होता है ना कि पेपर में एक लेवल अगर अच्छा हो तो मजा भी आता है. अभी एकदम ही आप जीके के अंदर आप डिटेल डीप और अलग ही क्वेश्चन पूछ रहे थे. सेकेंड थिंग, इवन मैथ्स के अंदर भी काफी न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चन देखने मिले, प्लस काफी डीआई कैलकुलेटिव भी थी. तो उससे कैसा हो रहा है भाई कि कम टाइम में इतना अच्छा सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है. और जो लोग बोल रहे हैं 150 160 करके आए हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता. कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगा, जिसको ये लग रहा है ना कि यार एक गट फीलिंग बोल रही है उसकी कि नहीं मेरा निकल सकता है आरबीआई ग्रेड बी का फेज वन, आई विल से यदि ये गट फीलिंग आ रही है ना, तो आप टाइम वेस्ट करो मत, चुपचाप से फेज टू की मॉक दो. और जैसा कल का लेवल देखने मिला ना यार पेपर के अंदर प्री के फेज वन में, आई विल सजेस्ट कर रहा हूं, आपकी इच्छा आके मानना, अच्छे लेवल की मॉक दो. अब अच्छे लेवल आप भी जानते हो, चाहे आप प्रैक्टिस मॉक दो या ऑलिव बोर्ड दो. अगर मुझे कोई बोलेगा दो में से कौन सी, तो आई विल सजेस्ट ऑलिव बोर्ड, बिकॉज जो लेवल था कल का एग्जाम का, सम हाउ लेवल ऑलिव बोर्ड ऐसे ही था. तो आई विल सजेस्ट कि आप उनकी फ्री वाली मॉक दो. फ्री तो दोनों की दो आप, चाहे आप प्रैक्टिस मॉक हो, ऑलिव हो, अड्डा हो, कोई भी हो जो आपको देना है, ग्रेड अप वगैरह, बट आई विल सजेस्ट अच्छी मॉक दो. तो ऑलिव मुझे लगता है देना चाहिए, अच्छी है. फ्री मॉक उनकी देके देखो, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में, ताकि आप जाके दे सको. बाकी यदि किसी को ये लग रहा है कि भाई चांस नहीं है, कट गया अपना पूरा तरीके से, तो टेंशन लो मत. मैं सुनता भी हूं, अनिल सर बोलते भी हैं कि हमारे पास सिर्फ 6 एग्जाम होती है बैंक वालों के पास. अगर देखा जाए तो आईबीपीएस की 2 एग्जाम, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क. अब आप भी जानते हो कि आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, एज बहुत लोग बोल रहे थे कि मार्च में आएगा एसबीआई क्लर्क आएगा जाधव सर के अकॉर्डिंग. देखते हैं कब तक आता है. वैसे भी वो लोग मिड बोल रहे थे, मिड मार्च या एंडिंग मार्च तक वेट करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आउट होने वाले हैं. अब प्रिपरेशन आप अगर अभी से करके रखोगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा. बाकी तो यार ऐसा है कि इसका यदि कट ऑफ में बोलूं, तो कट ऑफ समवेयर जो मुझे लग रहा है कम से कम 25 से 30 मार्क गिरेगा. और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है भाई. इसमें एक चीज का बहुत दिक्कत होती है कि आरबीआई के अंदर 2.25 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी, उनने सिलेक्ट करने 4,000 से 5,000 बच्चे. तो इसमें कट ऑफ ना यार बता पाना बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत वाला काम है. कैसा होता है ना, हम सोचते कि हमसे नहीं बन रहा, बट कुछ लोग हमारे बाप भी बैठे होते हैं जो बना बना के आते हैं. तो यदि मुझे कोई बोले कि एक रेंज बताओ, तो यार 83 से लेके 95 के बीच में ये मेरा एक रेंज है. अब किसी को गलत लग भी सकता है, किसी को सही भी लग सकता है. यदि सही लगे तो अच्छी बात, नहीं लगे तो अच्छी बात. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन सी यू. जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम.